आरओ मेंस 2018 पेड ग्रुप में पीडीएफ शेयर की जा चुकी है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, दो तो तरह के मसौदे हो चुके हैं, सरकारी अर्थ सरकारी, काफ़ी सारे प्रैक्टिस भी हम लोग कर चुके हैं, आज आगे के मसौदों पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमारा मसौदा रहेगा अनुस्मारक परिपत्र कार्यालय ज्ञाप कार्यालय आदेश, ये सारे इसी वीडियो में निपटाना है हमको। तो सबसे पहले अनुस्मारक के बारे में बात करना शुरू करते हैं। पिछले पेपर्स में हमसे सरल सरल क्वेश्चन आए, जैसे कि अनुस्मारक क्या है बताइए, परिपत्र क्या है बताइए, पहला क्वेश्चन होता है परिपत्र क्या है बताइए, परिपत्र का उदाहरण लिखिए, भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, ऐसा कुछ आता है। सबसे पहली चीज़ अनुस्मारक है क्या। अनुस्मारक से मतलब है कि किसी प्राधिकारी यानी किसी अथॉरिटी को किसी मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही विषयक स्मरण दिलाने से संबंधित शासकीय पत्र के आलेखन से। यानी कि अनुस्मारक है क्या, अनुस्मारक एक शासकीय पत्र है, सिंपल, उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है और बहुत ही कम मॉडिफिकेशन है, आप देखेंगे, हम प्रारूप अभी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है क्या, ये एक ऐसा शासकीय पत्र है जिसमें हम किसी अथॉरिटी को किसी स्पेशल कार्रवाई के बारे में याद दिलाते हैं, उसको स्मरण कराते हैं। यदि किसी कार्यालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष कोई मामला पर्याप्त समय तक लंबित है, यानी कि पहले हम बता चुके हैं एक शासकीय पत्र लिख के, उसको हम का मतलब कोई अधिकारी दूसरे को बता चुका है शासकीय पत्र लिख के कि ऐसा ऐसा होना है इस मामले में और कार्रवाई लंबित है पर्याप्त समय से, तो कार्रवाई विषयक अनुस्मारक भेजा जाना आवश्यक हो जाता है। इसका कोई अपना निश्चित प्रारूप नहीं होता है बल्कि विभिन्न शासकीय प्रकार के पत्र की विधा के रूप में भेजा जाता है। यानी कि शासकीय पत्र से संबंधित अनुस्मारक भेजना है तो उसका प्रारूप शासकीय का बनेगा, अगर अर्थशासकीय भेजा जा चुका है और उसके बारे में याद दिलाना है तो अर्थशासकीय प्रारूप में अनुस्मारक भेजा जाएगा। तो अनुस्मारक का प्रारूप वैसा ही होगा जैसा पत्र पहले भेजा जा चुका है, समझ गए। अगला विशेषताएँ अब देखेंगे हम, क्योंकि विशेषताओं के बारे में आता है। सबसे पहली बात संचालन, यानी कौन किसको लिखता है, सदैव उसी प्राधिकारी के समक्ष भेजा जाता है जिसके समक्ष पूर्व में कोई वाद प्रकरण लंबित हो, यानी कि पहले जिससे बात कर चुके हैं उसी को हम भेजेंगे उसी को हम भेजेंगे अनुस्मारक, पहले जिससे हमने बात की है उसी को शासकीय में जो बात बताई थी वो लंबित है, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तब हम उसको भेजेंगे अनुस्मारक। विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु में लिखेंगे क्या, कंटेंट क्या रहेगा, लंबित कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण देंगे और सबसे पहले बताएंगे कि हमने पत्र संख्या डैश 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 इस दिनांक डैश 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 को आपको लिखा था, सबसे पहली लाइन यही लिखी जाती है अनुस्मारक में, ठीक है। उसके बाद भाषा शैली कैसी होगी, भाषा शैली एक बार फिर से अपनी कोई नहीं होती है, मान लीजिए शासकीय पत्र के बाद में अनुस्मरण करवा रहे हैं अधिकारी को तो शासकीय जैसी शैली होगी, मान लीजिए अर्थशासकीय के रूप में दो अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार हुआ है और इस अधिकारी को इस तक फिर से बात याद दिलानी है तो वो अर्थशासकीय भाषा में अनुस्मारक लिखेगा इसको, समझ गए। तो अपनी खुद का कोई फॉर्मेट नहीं, अपनी खुद की कोई भाषा नहीं, पहले जो वाद हो चुका है जिस टूल के माध्यम से, चाहे वो सरकारी रहा हो चाहे सरकारी रहा हो, वैसी ही भाषा वैसे ही फॉर्मेट अनुस्मारक ग्रहण करेगा। इसकी कुछ अन्य इम्प्लीकेशंस महत्व यही है कि अगर मान लीजिए कोई मामला लंबित है तो अधिकारी एक पर्सनल लेटर लिखता है, एक याद दिलाता है कि हमने आपको ये चीज़ भेजी थी और आप व्यक्तिगत रुचि लेते हुए मामले को निपटाने की कृपा करें, तो यही होता है अनुस्मरण पत्र या तो अनुस्मारक इसको कहते हैं, स्मरण पत्र या तो अनुस्मारक, कहेगा स्मरण पत्र लिखिए, इसका मतलब अनुस्मारक ही पूछा जा रहा है। अब इसका महत्व ये है कि अधिकारी एक दूसरे के प्रति सहयोग की दृष्टि से अनुस्मारक लिखते हैं, ठीक है, मतलब प्रशासकीय कार्यव्यवहार में तीव्रता आती है। देखो शासकीय तो लिखा जा चुका है कि ये काम होना है, लेकिन अधिकारी बाद में अगर अनुस्मारक उसको लिखेगा उस काम के बारे में, थोड़ा इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उक्त काम को निपटाने में आगे कदम बढ़ाएगा, ऐसा माना जाता है, भले बढ़ाए चाहे नहीं बढ़ाए, तो ये महत्व होता है आपके अनुस्मारक का। शासकीय और अर्ध सरकारी, अर्ध शासकीय या तो सरकारी या अर्ध सरकारी, दो तरह के पत्र होते हैं, उसी प्रकार से अनुस्मारक भी दो तरह के होते हैं, एक शासकीय अनुस्मारक होता है एक अर्ध शासकीय अनुस्मारक होता है। बहुत ही कम अंतर है एक शासकीय पत्र में और शासकीय अनुस्मारक में, अंतर यहाँ पर होता है सबसे पहला ये एक्सट्रीम राइट साइड में ऊपर की तरफ अनुस्मारक संख्या लिखी जाती है और कहीं कहीं पर सिंपली अनु डॉट संख्या लिखी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें, यही एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है कि एक शासकीय पत्र को अनुस्मारक से कैसे अलग करेंगे, ठीक है। बाकी प्रेषक जैसे हम शासकीय में लिखते हैं वैसे ही है, नाम पदनाम शासकीय पता प्रेषक का, उसी प्रकार से सेवा में उसका पदनाम उसका पद उसका शासकीय पता, क्योंकि नाम तो हम अर्ध सरकारी पत्र भी लिखते हैं, पद और पता, विषय के संबंध में अनुस्मारक, यहाँ पर तो विषय में अनुस्मारक एक वर्ड आता है और इससे पता चलता है कि ये एक अनुस्मारक है। और जो पहली लाइन इसमें ये लिखी जाती है कि अपने पत्र संख्या डैश डैश डैश
की ओर ध्यान दें, या फिर मैंने जो आपको पत्र लिखा था उसकी ओर ध्यान दें, या फिर उस संदर्भ में, उस डैश 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 पत्र के संदर्भ में हम बात करेंगे इसमें। बाकी आप देखोगे नीचे भी वही फॉर्मेट फॉलो करेगा जैसे एक शासकीय पत्र में फॉलो करता है। मैं ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये बस ध्यान रखिएगा अनुस्मारक संख्या राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद पूरा फॉर्मेट सेम रहता है। अब हम एक अर्धशासकीय अनुस्मारक का प्रारूप देख लेते हैं। अर्धशासकीय अनुस्मारक का प्रारूप एक अर्धशासकीय पत्र की तरह होगा। अनुस्मारक संख्या यहाँ पर आ जाती है जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होती है, जिसे पता चलता है कि अर्थशासकीय अनुस्मारक है या फिर सिंपली एक अर्थशासकीय पत्र है। तो अनुस्मारक संख्या हो गई यहाँ पर, बाकी फॉर्मेट वही फॉलो होता है जो कि एक अर्थशासकीय पत्र में। यहाँ पर भेजने वाले अधिकारी का नाम, उसका पदनाम, शासकीय पदाधिकारी का एक लाइन छोड़ करके, स्थान दिनांक, यहाँ पर विषय, यहाँ पर भी अनुस्मारक वर्ड ले लिया जाता है जिससे पता चल जाए कि हाँ ये अनुस्मारक है। और फिर प्रिय डैश जी, इसमें नाम लिखा जाता है जिस अधिकारी को भेज रहे हैं, और फिर बाद में जिस अधिकारी को भेज रहे हैं उसका पता लेफ्ट साइड में लिखते हैं और उसका नाम लिखते हैं। आपका सद्भावी और यहाँ पर ससम्मान या शुभकामनाओं सहित ये लिख सकते हैं आप, जैसे कि अर्ध सरकारी में लिखा जाता है। बाकी सेम फॉर्मेट है ये। चलिए अब हम बात करते हैं परिपत्र के बारे में। परिपत्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा हैं। मुझे लग रहा है क्वेश्चन जरूर आएगा आपके, जो भी तीन पूछे जाने उनमें से एक परिपत्र जरूर पूछा जाता है। तो परिपत्र में सबसे पहले पूछा जाता है कि परिपत्र है क्या, या फिर परिपत्र और आपके सरकारी पत्र में अंतर क्या है, वगैरह वगैरह पूछ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे वहाँ पर, मोस्ट अप्रोप्रिएट, पत्र लेखन का ऐसा प्रारूप या फिर ऐसा रूप, ऐसा टाइप जिसके द्वारा सामान्य सूचना, निर्देश, अनुदेश इत्यादि सभी संबंधित अथवा अधीनस्थ अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के संदर्भ में प्रतिलिपियों के माध्यम से भेजा जाता है। ये एक सरकारी पत्र होता है बेसिकली, ठीक है, एक सरकारी पत्र होता है, लेकिन ये एक अधिकारी को नहीं, अधीनस्थ अधिकारियों को प्रतिलिपि में भेजा जाता है, यानी फोटो कॉपी करवा करवा के भेजा जाता है। एक कार्य है उसमें कई अधिकारी संबंधित हैं अधीनस्थ कार्यालय के, उनको निर्देश दिए गए उसमें, और सभी को फोटो कॉपी की एक एक वो दे दी जाएगी कॉपी, और वो उसमें पढ़ लेंगे। तो ये होता है परिपत्र। परिपत्र यहाँ पर एक को नहीं बल्कि कई सारे लोगों को, कई सारे अधीनस्थ अधिकारियों को भेजा जाता है। ये डिफरेंस होता है एक शासकीय पत्र में और एक परिपत्र में। परिपत्र का मतलब सर्कुलर होता है। परिपत्र की एक बार फिर से अपनी कोई भाषा शैली नहीं होती है, जैसे कि उसमें नहीं होती अनुस्मारक में, बल्कि परिपत्र की भाषा शैली अथवा प्रारूप उसी पत्र के अनुरूप हो जाता है जिस पत्र के प्रारूपों में वह भेजा गया हो। परिपत्र में कुल मिलाकर के हम लोग एक सूचनापरक भाषा का प्रयोग करते हैं, और इसमें कोई ऐसा टाइप नहीं बनता जैसे अनुस्मारक में बनता है, शासकीय है कि शासकीय है। परिपत्र एक ही होता है, वो शासकीय की तरह दिखता है, सेम टू सेम अभी दिखाएंगे आपको। बस उसमें ये रहता है कि कई सारे अधिकारियों को एक साथ संबोधित करते हुए भेजा जाता है। इसके संचालन को देखते हैं, आप समझ पाएंगे कैसे कैसे लिखते हैं इसको। ये सदैव एक पद या फिर एक अधिकारी स्तर से उद्गमित होता है, यानी एक अधिकारी इसको लिखता है और एक साथ अनेक गंतव्यों तक पहुंचता है। अनेक गंतव्य यानी अनेक अधीनस्थ कार्यालयों में अनेक अधीनस्थ प्राधिकारियों के पास, अधिकारियों के पास पहुँचता है। इसका प्रेषक एक होता है लेकिन प्रेषिती कई सारे होते हैं। तो ये डिफरेंस है, प्रेषक एक, कई सारे प्रेषिती, और शासकीय में क्या होता है, एक प्रेषक एक प्रेषिती। इसका संचालन यथानुरूप एक आयामी अथवा द्विगामी होता है। अब कंटेंट की बात कर ले, विषय वस्तु वैसी होगी जैसे कि एक शासकीय पत्र में होती है। परिपत्र का प्रारूप जिस पत्र पर आधारित होता है उसी की विषय वस्तु ग्रहण कर लेता है। शासकीय परिपत्र पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए भेजे जाते हैं, वहीं अर्थशासकीय परिपत्र यथानुरूप विभिन्न मामलों से संदर्भित होता है। तो ये है कुल मिलाकर के। अर्थशासकीय परिपत्र आपको बहुत कम, बहुत ही कम देखने को मिलेंगे और जल्दी बुक्स में नहीं मिलते हैं। अर्थशासकीय परिपत्र नहीं मिलते हैं, आप ये समझ लीजिए। आपको शासकीय परिपत्र को ही देखना है और उसी का फॉर्मेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले एक दो बातें और जान लेते हैं। परिपत्र शासन अथवा किसी विभाग की आंतरिक और व्यापक जानकारी और नवीनतम निर्णयों आदि को कम समय में प्रकाश मिलाने के लिए प्रतिलिपियों के माध्यम से वितरित किया जाता है। मान लीजिए एक कार्यालय है, उसमें एक नया निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो अभी तो क्या है कि ईमेल वगैरह आजकल काफ़ी पॉपुलर है, तो ईमेल भी भेजे जाते हैं, लेकिन परिपत्र आज भी काफ़ी चलते हैं। मान लीजिए कोई निर्णय लिया गया, मान लीजिए कोई कार्यालय में बात आई है कि कल से इतने बजे आना है, तो कैसे इसको पॉपुलर करेंगे, मतलब कैसे हर अधिकारी तक, हर सब ऑफिस के अधिकारी तक और कर्मचारी तक ये बात पहुंचाएंगे परिपत्र के माध्यम से। परिपत्र पहुंचेगा हर जगह, उसकी भाषा, उसकी विषय सब एक ही होगा। बस क्या करेंगे, एक उसके पीछे एक सादा कागज नत्थी रहता है,
सबको दिखा दिया जाएगा फोटोकॉपी और उनके साइन ले लिए जाएंगे कि हाँ आपने एक्नॉलेज कर लिया इसको, समझ गए। एक मतलब लिखा गया पत्र, उसमें लिख दिया गया सेवा में समस्त अधिकारी समस्त कार्यालयों के, पीछे एक कागज है स्टेपलर किया हुआ, उसमें सबको दिखा दिया गया कि देखिए परिपत्र है। और या तो कहीं कहीं पर क्या होता है, नोटिस बोर्ड में लगा देते हैं और साथ में कागज लगा होता है और हर अधिकारी जो उसको पढ़ लेता है वहाँ पर अपना साइन कर देता है कि हाँ हमने इसको एक्नॉलेज किया। अभी जो आप देख रहे हैं ये एक परिपत्र है, ये एक ऑफिशियल परिपत्र है शासनादेश NIC.in से मैंने निकाला है, मतलब ये ओरिजिनल है, उत्तर प्रदेश शासन जो प्रयोग करता है फॉर्मेट। और आप पहचानो कैसे कि ये परिपत्र ही है, एक शासकीय पत्र रही है। देखो प्रेषक है जावेद उस्मानी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, हालांकि ये पहले के हैं अब नहीं है। जावेद उस्मानी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन इसके प्रेषक हैं। प्रेषती कौन कौन है, समस्त प्रमुख सचिव या फिर सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। तो आप देखो कि कितने सारे लोग हैं, जिलाधिकारी कई सारे जिलों के 70-80, मंडलायुक्त 10-5 जो भी हैं, और कई सारे सचिव यहाँ पर 10-5 जो भी हैं। तो प्रेषती यहाँ पर हो गए करीब 50 से भी ऊपर, प्रेषक रहा एक ही। तो ये है परिपत्र और विषय भी सेम रहा, सेम है जैसे कि किसी भी शासकीय लिखा जाता है। शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत एवं इंटरनेट पर अपलोड करने की नवीनतम व्यवस्था के बारे में है। जब सबसे पहले 2013-14 के आसपास, हाँ 10 दिसंबर 2013 के आसपास शासनादेश.nic.in इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसके बारे में है। तो शासनादेशों को अब क्या करने वाले थे, ऑनलाइन अपलोड करने वाले थे शासनादेश.nic.in करके जो इनकी वेबसाइट है। तो इसमें देखिए इन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन के एजेंडे वर्ष 2013-2014 के निर्धारित सूत्र संख्या 166 के अंतर्गत दिए गए निर्देशानुसार 10 डिपार्टमेंट को 1 दिसंबर या फिर सितंबर 2013 से शासनादेशों को, अभी शासनादेश बताएंगे क्या है, कार्यालय आदेश वगैरह जो भी है, शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इंटरनेट पर अपलोड करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के संबंध में ये एक उल्लेखनीय प्रयास है। प्रथम चरण में राजस्व, कार्मिक या फिर मतलब जिन 10 मंत्रालयों को अपलोड करना है उनके नाम लिखे गए हैं। 1/11/2013 से इस व्यवस्था को शासन के 25 अन्य विभागों में और 1/1/2014 से इसे समस्त विभागों में लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है प्रथम चरण में चयनित विभागों के द्वारा शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत और अपलोड करे जाने की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। तो ये सब इसके बारे में, शासनादेश up.nic.in पर सारे शासनादेश 1 जनवरी 2014 से उपलब्ध होने लगे थे और आजकल डेली अपलोड होते हैं। तो ये होता है परिपत्र। एक चीज़ जो इसमें नहीं आ पाई है वो दूसरा पेज में डाउनलोड करना भूल गए। इसमें एक लाइन लिखी जाती है, कार्रवाई हेतु और सूचनार्थ निम्न को प्रेषित, और कई सारे लोगों के नाम भी लिखे जाते हैं 1, 2, 3, 4 करके। और यहाँ पर बहुदी है जिसने लिखा है जावेद उस्मानी मुख्य सचिव। ये है परिपत्र। एक और परिपत्र ये है, ये भी शासनादेश up.nic.in से मैंने निकाला है। प्रेषक यहाँ पर कौन है, रणधीर सिंह, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी उत्तर प्रदेश शासन के। और इन्होंने एड्रेस किया है सारे अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को जो कि उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध हैं। और दिनांक यहाँ पर डालते हैं, विषय ये है और ये है विषय। और कभी कभी यहाँ पर सेवा में कहीं से अनुभाग या प्रकोष्ठ डाला जाता है, कहीं कहीं पर नहीं डाला जाता है, तो ये एम्बिग्वियस, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कार्यालय आदेश के बारे में। कार्यालय आदेश का फॉर्मेट यहाँ पर डिफरेंट रहेगा थोड़ा, और कार्यालय आदेश है क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसी कुछ डेफिनेशन आप लिखिए एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि कार्यालय आदेश क्या होता है। कार्यालय आदेश शासकीय पत्र व्यवहार का वह रूप होता है जिसके माध्यम से किसी कार्यालय अथवा सरकारी संस्थान अथवा व्यापारिक संस्थान में एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को विभिन्न सेवा संबंधी मामलों जैसे कि अवकाश स्वीकृति, अनुशासनात्मक मामलों या किसी अपील या प्रत्यावेदन के लिए किसी निर्णय को प्रशासकीय दृष्टिकोण से अनिवार्य अनुपालनार्थ जारी करते हैं। खैर ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, मैं बता देता हूँ इसका करते क्या है। कार्यालय आदेश बेसिकली, जैसे कार्यालय आदेश इसका नाम है, कार्यालय में आदेश, कार्यालय का जो हेड होगा, प्राधिकारी होगा, वरिष्ठ अधिकारी होगा किसी ऑफिस का, वो अपने कर्मचारियों को जो डेली बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के इंस्ट्रक्शंस देता है वो उसमें होते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कर्मचारी ने कोई आवेदन किया था उसके बारे में जानकारी देना है, और वो ऐसा आवेदन था कि सभी को बताया जा सके, तो उसके बारे में जानकारी देना कि तुम्हारा आवेदन स्वीकृत हो गया है या फिर नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में। कार्यालय में कोई नया नियम फॉलो करवाना है तो उसके बारे में आदेश कि कल से ये नियम फॉलो होगा, सब लोग जान लीजिए, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें।
कार्यालय आदेश का संचालन कैसे होता है? हमेशा एक उच्च अधिकारी के कार्यालय से निकलेगा ये और उद्गम बिंदु के नीचे की ओर चलेगा, यानी कि ऊपर की हायरार्की से नीचे की तरफ जाएगा, उच्च अधिकारी की ओर से जाएगा और अधीनस्थ कर्मचारियों या अधिकारी प्राधिकारियों को प्रेषित किया जाता है। आदेश का संचालन सदैव एक आयामी होता है क्योंकि इसके प्रत्युत्तर की बजाय अनुपालनार्थ जारी किया जाता है। कहने का मतलब समझे आप, यानी कि कार्यालय आदेश ये नहीं होता है कि हमको पत्र व्यवहार करना है। कार्यालय आदेश का मतलब है जो आदेश में लिख दिया गया है उसका अनुपालन उसी समय से शुरू हो जाएगा। कोई अब उसमें सवाल जवाब नहीं करेगा, कोई अधिकारी या कर्मचारी वापस से उच्च कार्यालय या फिर उच्च अधिकारी को नहीं भेजेगा कि इसमें सवाल जवाब क्या है। सब कुछ आदेश में लिखा होता है, बस उसको फॉलो करना होता है। एक आयामी मतलब खाली भेजा जाएगा, यहाँ पर रिसीव नहीं किया जाएगा। वन वे कम्युनिकेशन होगा उच्च अधिकारी की तरफ से, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब इसका कंटेंट क्या होगा कि शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़े दायित्वों के बारे में होगा, नियमों के अनुपालन के बारे में होगा। उच्च अधिकारी ने कोई नया नियम बना दिया अपने कार्यालय में तो उसको अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को फॉलो करना होगा, तो बस ये होता है इसमें। किसी अधिकारी का स्थानांतरण हुआ है, किसी अधीनस्थ कार्यालय में कोई नया अधिकारी नियुक्त किया जाना है तो उच्च अधिकारी उसके बारे में सूचना देना चाहता है। वो वेतन वृद्धि अगर हुई है कार्यालय के अधिकारियों की तो उसके बारे में, अवकाश किसी का स्वीकृत किया गया है उसके बारे में, ये सब जानकारी देने के बारे में ये कार्यालय आदेश एक आयामी जारी किया जाता है। इसकी भाषा शैली कैसी होगी? इसकी भाषा शैली जैसे कि इसका नाम है आदेशात्मक होगी, उत्तम पुरुष के रूप में होगी, लेकिन अप्रत्यक्ष फॉर्म में, प्रत्यक्ष नहीं, ठीक है, यानी कि मैं का प्रयोग नहीं करते हैं कभी भी आदेश में, मुझे का होगा या फिर आजकल तो थर्ड पर्सन का होने लगा है, कुछ भी नहीं लिखते हैं, सीधे लिखते हैं कि अधो हस्ताक्षरी को ये आदेश हुआ है कि वह सूचित करे, या फिर अधो हस्ताक्षरी को इतना सूचित करने का निर्देश हुआ है, जिसमें किसी संबोधन समापन सूचक शब्द का अभाव होता है, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं होता सेवा में कि ससम्मान भवदीय कुछ नहीं, ठीक है, खाली एक हस्ताक्षरी होता है और ऊपर उसके अनुदेश होते हैं, निर्देश होते हैं। कुछ नुएंसेस ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि जब हम अभी कार्यालय ज्ञाप पढ़ेंगे तो उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका पालन प्रभावी कार्यालय में अथवा संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों हेतु अनिवार्य होता है, अन्यथा के अभाव में दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा होती है। यानी कि कार्यालय आदेश में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस, अगर कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी प्राधिकारी अधिकारी उसको नहीं फॉलो करते तो उन पर दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। ये जारीकर्ता कार्यालय के नियमित कर्मचारियों अधिकारियों पर ही प्रभावी होता है, संविदा कर्मचारियों पर भी प्रभावी हो सकता है अगर संविदा की शर्तों में लिखा गया है तो। अस्थाई अथवा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर इसका प्रभाव नहीं होता है, जिनको डेली बेसिस पर रखा जाता है कार्यालय आदेश उन पर फॉलो नहीं होता है। इसका प्रभाव क्षेत्र जारीकर्ता पदाधिकारी के कार्यालय या उसके अधीनस्थ कार्यालयों तक सीमित रहता है, अन्यत्र इसका प्रभाव शून्य है। समझ गए, यानी कि एक जो ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है, उसका अगर हेड लिखेगा तो उस ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों तक ये प्रभावी होगा, किसी दूसरे किसी दूसरे कार्यालय में नहीं, किसी दूसरी कार्यालय में उस दूसरे कार्यालय के हेड का कार्यालय आदेश प्रभावी होगा, तो इसका दायरा थोड़ा सा संकुचित होता है। कार्यालय आदेश का स्टैंडर्ड प्रारूप आपको दिखा रहे हैं, बहुत सारे हमने कार्यालय आदेश डाउनलोड करने की कोशिश की। कार्यालय आदेश मिलना काफ़ी मुश्किल है ऐसे, क्योंकि थोड़े से कॉन्फिडेंशियल भी होते हैं, इनके ऑफिशियल चीज़ें कम मिलती हैं, तो बहुत जगह पर मैंने देखा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही निकल करके आता है। सबसे पहले विभाग का नाम लिखते हैं, अनुभाग का नाम लिखते हैं, अनुभाग संख्या लिखते हैं, दिनांक और स्थान लिखते हैं। कहीं कहीं पर मैंने देखा है कि दिनांक को थोड़ा सा लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में ले जाते हैं और स्थान को एक्सट्रीम राइट में, तो अगर चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वरना ज़्यादातर में यही देखा गया है कि दिनांक और स्थान यहाँ पर कॉमा लगा करके बगल बगल में लिखे जाते हैं। उसके अलावा कार्यालय आदेश संख्या यहाँ पर लिखी जाती है लास्ट में, कहीं कहीं पर कार्यालय आदेश संख्या इधर लग दी जाती है, दिनांक स्थान बाद में लिख दिए जाते हैं अलग अलग विभाग में, लेकिन आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि विभाग अनुभाग संख्या ये दोनों का क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, उससे भी पहले उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश का लोगो छपा रहता है जो मैंने ऑफिशियल डाउनलोड किए हैं, तो चाहे तो सबसे पहले जिस प्रदेश की बात हो रही है उसका नाम लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शासन या फिर मध्य प्रदेश शासन, जहाँ का भी आपको लिखने को बोले। कार्यालय आदेश में एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, वही बता देते हैं आपको। देखिए, अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं परिपत्र अर्थशासकीय में, अनुस्मारक वगैरह में, उसमें या तो राइट या तो लेफ्ट इंडेंट फॉलो करते हैं, इसमें सेंटर इंडेंट फॉलो करते हैं, सेंट्रली अलाइंड ये सब लिखा जाएगा, ठीक है, पेज के बीच में इस तरीके से जैसे लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे तक पूरा सेंटर अलाइनमेंट फॉलो करता है। कार्यालय आदेश भी यहाँ पर लिखा जाता है सेंटर में,
पूरा मैटर भी सेंटर में ही लिखा जाता है, यहाँ पर चार पांच लाइन जो भी लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर इस लेफ्ट हैंडेंट आप फॉलो करना शुरू करते हैं, तत्काल प्रभाव से उक्त अनुपालन सुनिश्चित करें, ये लिखते हैं थोड़ा सा लेफ्ट में, और एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखते हैं कि प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। उसके बाद हस्ताक्षर नाम पद नाम ये आता है राइट साइड में, तो समझ गए ये प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित लेफ्ट में, ये राइट में, और ये पूरा मैटर सेंटर में। तो ये कार्यालय आदेश का फॉर्मेट है। अब हम आपको दिखा देते हैं एक ऑफिशियल कार्यालय आदेश। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद संपत्ति प्रबंध अनुभाग का ये कार्यालय आदेश है। अब देखोगे फॉर्मेट वही जो हमने आपको बताया, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, एक्चुअली में सबसे लास्ट में ही है आपका ये कार्यालय आदेश संख्या, और उससे पहले दिनांक यहाँ पर, और दूसरी तरफ जगह का नाम। तो थोड़ा सा ये छपे हुए आदेशों में थोड़ा सा फॉर्मेट ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी फॉर्मेट वही है जो हमने आपको बताया। कार्यालय आदेश की भाषा थोड़ा सी देख लीजिए, जैसे यहाँ पर गिवेन है, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की यथा संशोधित नियमावली जून 2016 के क्रम में परिषद की अनावासीय आवासीय संपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। नीलामी से निस्तारित संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर परिषद द्वारा गठित निर्णायक मंडल द्वारा नीलामी में प्रतिभाग लेने वाले इच्छुक क्रेताओं में से मात्र उच्च बोलीदाता तथा द्वितीय उच्च बिडर या बोलीदाताओं को ही प्राप्त बोलियां बिड रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं। उक्त नीलामी प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश किया गया है कि भविष्य में ऐसी आवासीय अनावासीय संपत्तियां जिसका निस्तारण नीलामी प्रक्रिया द्वारा किया जाना है में प्रतिभाग करने वाले समस्त इच्छुक क्रेताओं की बिड बोली रजिस्टर में निर्णायक मंडल की उपस्थिति दर्ज कराई जाए तथा प्रत्येक बोली पर नीलामी में बोली लगाने वाले इच्छुक क्रेता के हस्ताक्षर कराए जाएं। तो आप देखोगे कि कार्यालय आदेश जब कोई नया नियम आता है तो ऐसा सभी अधिकारियों को बताने के लिए कार्यालय आदेश लिखा जाता है। इसकी भाषा आदेशात्मक होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए, तो यानी आदेशात्मक। और अंतिम लाइन से स्पष्ट हो गया, उक्त प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, क्योंकि कार्यालय आदेश कई लोगों तक पहुंचाना है, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। तो ये है कुल मिलाकर के आपको समझाने का मतलब था, जैसे इस पर्टिकुलर में बोली लगाने की नीलामी करने की बात हो रही है, तो जैसे पहली बोली लगवाई जाती थी उसकी प्रक्रिया में संशोधन अब होना है, तो ये बताया गया है अधीनस्थ कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को। तो ये है कार्यालय आदेश का प्रारूप और इसका प्रयोजन। आखिरी फॉर्मेट जो हमको डिस्कस करना है वो कार्यालय ज्ञाप या फिर कार्यालय ज्ञापन है। ज्ञापन भी लिखा जाता है, ज्ञाप भी लिखा जाता है, लेकिन यूपी पीसीएस आरओ में इसको ज्ञाप ही लिखते हैं, बाकी जगह एमपी पीसीएस में और आरएस में इसको ज्ञापन लिखते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, पत्र व्यवहार का वह रूप जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में विशिष्ट अथवा सामान्य मामलों में अंतर कार्यालय अंतर विभागीय अथवा अंतर वैयक्तिक औपचारिक संदेश अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं। ये हो गई बुकिश बात, इसे आप समझे क्या, मतलब ये है कि कार्यालय आदेश से इसका दायरा बड़ा है, ये समझ में आया होगा आपको, क्योंकि इसमें अंतर विभागीय बात हो रही है, अंतर कार्यालय बात हो रही है। कार्यालय आदेश में क्या होता था, सिर्फ एक कार्यालय में एक ही ऑफिस में कम्युनिकेशन के लिए या फिर आदेशों को जारी करने के लिए इसको प्रसारित करते थे और वो एक आयामी होता था। ठीक है, इसमें आवश्यकता अनुसार निजी व्यक्तियों से संपर्क के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका दायरा बड़ा है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्राधिकारी अथवा कार्यालय को भेजा जाता है ऐसे प्राधिकारी अथवा कार्यालय को जो एक ही संस्था से जुड़े हुए हों, यानी कि उत्तर प्रदेश शासन का कोई अनुभाग है और उस अनुभाग के हेड को दूसरे अनुभाग के हेड से बात करनी है तो कार्यालय ज्ञाप जारी कर सकते हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश शासन के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश शासन वाले करने लगेंगे, एक ही संस्था के अंग होने चाहिए, अधीनस्थ कर्मचारी होने चाहिए या फिर कोई असाधारण या विशिष्ट व्यक्ति हो जिनको किसी विशेष मामले में सूचना देना है। अब ये विशेष मामला आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आता है, आपको बता दें, अभी हम आगे देखेंगे। आरटीआई जो लोग डालते हैं और उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो आरटीआई की जो इन्फॉर्मेशन डिस्पर्स की जाती है वो भी कार्यालय ज्ञाप में या फिर कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से दी जाती है आवेदक को, तो ये ध्यान रखना आपको जरूरी है। संचालन भी समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से, नियत अधिकारी के स्तर से उद्गमित होता है, जरूरी नहीं है कि वो उच्च हो सर्वोच्च हो, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी नियत प्राधिकारी अथॉरिटी हो सकता है। सूचना प्रेषण गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रत्युत्तर अपेक्षित नहीं होता है नॉर्मल केसेस में, कभी कभी हो भी जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्यालय आदेश की तरह एक आयामी होता है कार्यालय ज्ञाप। विषय वस्तु क्या होती है, कार्यालय आदेश की तरह होती है, किसी कार्यालय में
कुछ नए रूल्स आ गए हैं उनको फॉलो करना, किसी अनुभाग में नए रूल्स आ गए हैं उनके उनसे संबंधित दूसरे अनुभागों को सूचित करना, विभाग में कोई नए रूल्स हैं तो उससे संबंधित जो ऑफिसेस हैं उससे संबंधित अधिकारी या कार्यालय हैं उनको सूचित करना वगैरह वगैरह, उच्च अधिकारियों को सूचित करना, संबंधित अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रत्यावेदकों को और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को वांछनीय सूचना इसी पत्र प्रेषण के माध्यम से किया जाता है। तो समझिए आप, मतलब आरटीआई के जो आवेदक हैं उनको सूचना कैसे दी जाएगी, कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से और कार्यालय आदेश में, ऐसा नहीं होता, ये मेजर डिफरेंस हो गया। भाषा शैली में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, इसकी भाषा शैली हमेशा थर्ड पर्सन में होती है, इसमें अभिवादन समाप्ति सूचक शब्द नहीं हो सकते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में औपचारिक ही इसको रखा जाता है। कार्यालय आदेश और इसकी भाषा शैली काफ़ी हद तक एक जैसी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में इसको लिखते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण डिफरेंस भी होता है कि ये सूचनात्मक महत्व होता है कार्यालय आदेश का, अगर इसका अनुपालन नहीं किया किसी ने तो ऐसा नहीं कि उसको दंड मिलेगा, लेकिन कार्यालय आदेश का अनुपालन ना करने वाले को दंड मिलता है। ठीक है, ऐसे समझो, मान लीजिए आरटीआई किसी ने लगाई है कोई वांछनीय इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और आरटीआई एक्ट के अंतर्गत वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है क्योंकि वो आरटीआई रूल्स में नहीं है, तो कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा प्रत्यावेदक या आवेदक को कि ये वांछनीय सूचना नहीं दी जा सकती है आपको, तो उसमें कोई दंड थोड़ी ना मिलेगा फिर आवेदक को। तो ये है मेजर डिफरेंस इसमें, और कार्यालय आदेश का दायरा भी वही है कि वो केवल और केवल अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिकारियों को सूचित करने के लिए होता है या आदेशित करने के लिए होता है, और इसका दायरा थोड़ा सा बड़ा होता है। लोकतंत्र में शासकीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचनाओं का अधिकृत संप्रेषण प्रारूप इससे करते हैं। कार्यालय ज्ञाप इंटरनेट पर बहुत सारे उपलब्ध हैं, शासनादेश में कार्यालय ज्ञाप भरे ही भरे पड़े हैं। फॉर्मेट आप देख लीजिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश शासन लिखेंगे, फिर अनुभाग का नाम या नंबर लिखेंगे, फिर संख्या आती है और फिर लास्ट में आती है दिनांक और स्थान, स्थान और दिनांक। कहीं कहीं पर स्थान और दिनांक को अलग अलग कर देते हैं, स्थान को एक्सट्रीम राइट में या एक्सट्रीम लेफ्ट में कर देते हैं, दिनांक को एक्सट्रीम राइट या लेफ्ट में कर देते हैं किन्हीं किन्हीं कार्यालय ज्ञापों में, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही फॉलो कर रही है सरकार, तो इसी को आप फॉलो करिएगा। बाद में बोल्ड कैपिटल से, मतलब बोल्ड करके लिखते हैं कार्यालय ज्ञाप, और फिर बाद में बिना कोई विषय लिखे वगैरह शुरू करते हैं मैटर। जैसे इसमें गिवन है कि श्री राज्यपाल अखिल भारतीय सेवाएं चिकित्सा परिचर्या नियमावली 1954, चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या इतना दिनांक इतना, सपठित शासनादेश संख्या इतना दिनांक इतना के प्रावधानों के अधीन डॉक्टर ललित वर्मा आईएएस को आपातकालीन परिस्थितियों में दिनांक इतने से इतने को स्वयं के उपचारार्थ 6 वाउचर्स पर क्रीत औषधियों पर हुए व्यय के एक तिथि में 750 की सीमा के अधीन कुल अनुमन्य धनराशि रुपये 1910 रुपये की प्रतिपूर्ति की जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। उपर्युक्त व्यय चालू खर्च वर्ष 2018-2019 को उसी लेखा शीर्षक की मानक मद 49 चिकित्सा व्यय के नाम ही डाला जाएगा जिससे ललित वर्मा आईएएस का वेतन आहरित किया जाता है। तो इसमें यह है कि जब ये आईएएस आप बीमार हो गए थे इतने से इतने दिन तक, तो 6 वाउचर्स पर जो उनकी दवाइयाँ खरीदी गई थी, तो एक दिन में 750 की सीमा के अधीन जो राशि है वो कार्यालय के द्वारा या फिर उनकी तनख्वाह में ऐड होकर के आएगी, और किस नाम से आएगी, 49 नंबर चिकित्सा व्यय के हेडिंग पर, ये है इसमें बताया गया। और प्रेस किसने किया है, प्रेषक है यहाँ पर अरविंद मोहन चित्रांशी विशेष सचिव। प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है, इरला चेक अनुभाग को 2 प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर सहित, और महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को वित्त आय व्ययक अनुभाग एक को अनुभागी आदेश पुस्तिका, कंप्यूटर प्रोग्रामर नियुक्ति विभाग को डॉक्टर ललित वर्मा अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन को, और संलग्न जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ऐसे ही दूसरा यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक चिकित्सा परिचर्या के तहत श्री आर एन श्रीवास्तव जो रिटायर्ड आईएएस हैं उनको स्वयं के इलाज के लिए डॉक्टर नकुल सिन्हा लखनऊ से उन्होंने इलाज कराया था, उसके व्यय के सापेक्ष 44,695 रुपये की प्रतिपूर्ति का अनुमोदन कर दिया है श्री राज्यपाल ने, और बाद में जानकारी दी गई है कि उनको कैसे कैसे पैसा डिस्पर्स किया जाएगा। श्री आर एन श्रीवास्तव का यूको बैंक में जो ये खाता संख्या है, आईएफएससी कोड सहित, और इनका पीपीओ संख्या ये है, और यह कोषागार जवाहर भवन लखनऊ में पेंशन आहरित करते हैं उनमें जोड़ दिया जाएगा, उनकी पेंशन में जोड़ करके वो आ जाएगी प्रतिपूर्ति।
निम्नार्थ को प्रेषित है यानी कि जो जो उससे संबंधित है, सबसे पहले तो आर्य श्रीवास्तव को ही भेजा जाएगा एक प्रति, और दूसरा दूसरी ये कॉपी भेजी जाएगी कंप्यूटर प्रोग्रामर को जो फीड करेंगे, अनुभागीय आदेश पुस्तिका में लगाई जाएगी, वित्त आय व्ययक अनुभाग में भेजी जाएगी, मुख्य कोषा अधिकारी जवाहर भवन लखनऊ को तो वही इनकी पेंशन में जोड़ करके भेजेंगे, और लेखा को दो प्रतियां मूल और बिल वाउचर सहित लगाई जाएंगी, महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के कार्यालय में भेजी जाएगी।